नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीके और आज हम बात करेंगे कि आप किसी भी नेटवर्क को आप आराम से बहुत ही आसानी से नेट फ्री चला सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके के मोबाइल में इंटरनेट का पैक ख़त्म हो गया है, फिर भी आप एक ऐसी सेटिंग है जिसके ज़रिए आप इंटरनेट फ्री चला सकते हैं। तो इसमें करना क्या जाए, वो जियो हो, आइडिया, एयरटेल, वोडा, कोई भी हो, आप बहुत ही आसानी से इंटरनेट फ्री चला सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे इंटरनेट की सेटिंग करिए कि आपका नेट फ्री चले। सबसे पहले आप जाइए सेटिंग में, ये सेटिंग ओपन हो। आप सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है मोर, ये डाटा यूजर्स के नीचे लिखा हुआ मोर लिखा हुआ है, इसमें आप जाइए। यहाँ पे जाने पर नीचे से देखिए दूसरे नंबर लिखा हुआ है सेलुलर नेटवर्क, यहाँ पे आपको ओके करना है। ये ओके करने के बाद यहाँ पे मेन देखिए नीचे से ऊपर लिखा हुआ है एक्सेस पॉइंट नेम, यही है मेन, यहाँ पे आप अपने नेट को फ्री चला सकते हैं। कैसे चलाना है ये आपको बताते हैं हम। सबसे पहले कनेक्ट करना क्या है, एक्सेस पॉइंट यहाँ पे देखिए लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट, जो कि ये जब पेड वर्जन है, मतलब जब आप पैसा लगाएंगे तभी अभी एक्सेस पॉइंट यूज़ करेंगे, जो मैं आपको फ्री बता रहा हूँ। तो वहाँ पे देखिए साइड में थ्री डॉट्स के पास में प्लस पॉइंट लगा हुआ है, इस पर आपको करना है ओके। आप कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आप फ्री का जो डेटा होता है उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन सेव करना है, ओके करके आप नेट बहुत ही आसानी से फ्री चलाइए। उसकी कोई भी सीमा नहीं कब तक चलेगा, पर जब तक ये एक्सेस पॉइंट आपके उसमें रहेगा फिर, तब तक आप नेट फ्री चला सकते हैं। और इसमें सिर्फ कॉल नहीं होगी, बाकी नेट आप फ्री चला सकते हैं परमानेंट हाई स्पीड में। तो ये देखिए करना क्या, देखिए नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, नेम में आपको डाल देना है। मान लीजिए आपका जियो है, आइडिया है, वोडा या एयरटेल कोई भी हो, उस हिसाब से आपको डालना है। मान लीजिए जियो है तो जियो इंटरनेट लिखना है यहाँ पे, जियो इंटरनेट, जियो है तो जियो इंटरनेट, आइडिया तो आइडिया इंटरनेट, एयरटेल एयरटेल इंटरनेट, ये सब आपको इस हिसाब से डालना है। उसके बाद आप जाइए APN एक्सेस पॉइंट सेटिंग, जो कि मेन होती है, तो यहाँ पे जियो एक ही में लिखना है, इंटरनेट इंटरनेट, ये ध्यान देना, ये देखिए जियो इंटरनेट ही एक ही में लिखना है, स्पेस नहीं देना इसमें। मान लीजिए अगर आपका आइडिया है या ओडा है या एयरटेल है, तो यहाँ पे आइडिया इंटरनेट लिखते हैं, और ओडा होता है ओडा इंटरनेट, या एयरटेल होता तो एयरटेल इंटरनेट, फिर कर देना इसको ओके। अब आ जाइए प्रॉक्सी, प्रॉक्सी में भैया क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ लेना है प्रॉक्सी सेटिंग में, इसमें सिर्फ कुछ अंक डालने पड़ते हैं, जैसे 8080 ये पोर्ट नंबर होता है इसका, जो फ्री नेट जो सर्वर नंबर होता है वो होता है 8080, तो कर देना है ओके। आप यहाँ पे वही पोर्ट जो प्रॉक्सी का पोर्ट होगा वही इसका भी पोर्ट होगा, तो 8080 इसमें भी करना है, ये फ्री सर्वर का कोड होता है 8080। फिर आ जाइए यूज़र नेम, इससे को मतलब नहीं है, सर्वर सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में आप यहाँ पे जियो, जियो का सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो जियो ही लिखेंगे। अगर आप एयरटेल का, आइडिया का होता, कोई भी हो, आप सिर्फ उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना पड़ता। अब MMC में आपको लिखना है वही पोर्ट, यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा चेंज होगा, ये भी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8180, ये MMC का कोड है जो कि आपका पोर्ट यूज़ हो सकता है। अब आगे ये आ गया MZ Fox, ये भी वही होगा जो भी आपने लिखा, वो इसका प्रोसेस 8180, ये दोनों एक ही रहेंगे, MZ Proxy भी वही यूज होगा कोड। अब यहाँ से पोर्ट, MMS पोर्ट जो है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे पोर्ट होता है इसका 700, यहाँ पे पोर्ट आपका होगा 740, 740 MMC पोर्ट इसका होता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है, 871, एक मिनट, इसका पोर्ट 780 ही पोर्ट इसका है, इसका पोर्ट 780 है, और ये इसमें डिफ़ॉल्ट लगा होता है 405। ये देखिए इस चीज़ की तो सेटिंग आपको करनी नहीं, सिर्फ यहीं पे 780 डालना है, ये 8180, 740 PMC और डिफ़ॉल्ट होता है 400, ये लगा रहना है, ये सिर्फ आपको कॉन्फिगर करना है, इसमें 780 कर देना है।
साहब देख लीजिए, ऑथराइजेशन टाइप आपका होगा तो ऑथराइजेशन टाइप जो फ्री होती है सर्विस, वहाँ पे आपको इसी यूज करना है। देख लीजिए CHAP, ये सेटिंग आपको लगाने लगाना है, तब आप फ्री यूज कर पाएंगे। VPN टाइप किस टाइप का VPN है, तो यहाँ पे जियो, जियो इंटरनेट। इंटरनेट जियो इंटरनेट और उसके आगे लिख देना है फ्री, फ्री। ये देख लो जियो इंटरनेट फ्री, ये आपको यहाँ से टाइप कर देना है टाइप में। APN प्रोटोकॉल जो है वो आपको नीचे सबसे लास्ट के लिए यूज़ करनी है, और APN रोमिंग प्रोटोकॉल वो तो डिफ़ॉल्ट लगी है, उससे का मतलब नहीं। बैरियर भी ओके है, यहाँ पे लाइट कर देना है, यहाँ पे 4G में चलाना है आपको। और ये मोनो टाइप, ये आपको जो ये नीचे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है GID, ये कर देना है, ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो इतनी सेटिंग करने के बाद देख लीजिए फिर से एक बार, नेम जियो इंटरनेट, एक्सेस पॉइंट जियो इंटरनेट एक ही में होगा, और प्रॉक्सी 8080, पोर्ट 8080, यूज़र नेम में आपको कुछ नहीं, सर्वर में जियो, MMSC में 8180, ये भी 8180, NC4 में 740, और MCC ये तो डिफ़ॉल्ट होगा 405 जो लगे रहेगा। यहाँ पे आपको 700C डालना है, ऑथराइजेशन CHAP, और तो ये जो आपका APN टाइप में होगा वो होगा जियो इंटरनेट फ्री। ये APN प्रोटोकॉल ये आप देख लीजिए IPv4, और APN रोमिंग ये भी डिफ़ॉल्ट है, IPv4 लगेगा। बैरियर लाइट मतलब आप 4G में यूज करेंगे, और जो मोनो टाइप होगा जो GID होगा, बाकी मोनो वैल्यू होगी वो आपकी इस तरह से होगी जो मैंने भी सिलेक्ट की है। इसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब कोई भी इसकी चार्जेस नहीं हो, फ्री है। तो ये सब करने के बाद भैया आपको कर देना है यहाँ पे सेव। जब आप सेव करेंगे तो पहली सेटिंग हो जाएगी आपकी बंद, दूसरी सेटिंग आपकी डिफ़ॉल्ट लग जाएगी। ये आपका हो गया सेव। अब ध्यान देना, अब आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट करके फिर से कराएंगे तो आप देखिए आपका नेट पैक ख़त्म हो गया, जियो नेट आप बहुत ही आसानी से फ्री यूज कर सकते हैं, उसका कोई चार्जेज नहीं है और परमानेंट चलता रहेगा। बस इसमें कॉल आपकी नहीं होगी, सिर्फ नेट आप हाई स्पीड डेटा यूज कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो भैया लाइक करना, और मेरे चैनल वर्ल्ड नॉलेज को भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।